से। आमिर खान को धूम 3 में साइन करने के बाद आदित्य चोपड़ा अब लीड एक्ट्रेस के लिए फ्रीडा पिंटो को अप्रोच कर रहे हैं। करण जौहर की पार्टी में दीपिका और कटरीना कैफ के पैचअप के बारे में सुनने मिला, मगर अब सुनने में आ रहा है कि ये दोनों अब भी कहीं न कहीं डिफरेंसेस शेयर करते हैं और सूत्रों की माने तो दीपिका अपना आइटम नंबर दम मारो दम को शीला की जवानी से ज्यादा हिट बनाना चाहती हैं और वो इस बारे में अपने कोरियोग्राफर को धमकाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। 34th नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में प्रेजेंट होंगे शाहरुख खान, कटरीना कैफ, करीना कपूर, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, तनुश्री दत्ता, इमरान खान, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में करीना या प्रियंका चोपड़ा परफॉर्म करेंगी तो क्लोजिंग सेरेमनी में कटरीना कैफ स्टेज पर नजर आएंगी। नसीरुद्दीन शाह एकता कपूर की अगली फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ नजर आएंगे और वो कई सालों बाद इस फिल्म में एक अय्याश का किरदार निभाएंगे, जिस बात को लेकर ये काफी एक्साइटेड हैं। बैंड बाजा बारात से पॉपुलर हुए रणवीर सिंह को बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर से कई ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसे ये काफी सोच समझकर साइन कर रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने सुभाष घाई की फिल्म को रिजेक्ट किया। Say.